हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डाइटिशियन अनीता। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपसे अपने इंडोर प्लांट के कलेक्शन शेयर करूंगी, तो आज का वीडियो इंडोर प्लांट्स के ऊपर है। मैंने अपने घर में कौन कौन से इंडोर प्लांट्स रखे हैं और उनकी केयर मैं कैसे करती हूँ, इंडोर प्लांट्स को अपने घर के अंदर रखने से आपको मतलब क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए। जिसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेन डोर से एंटर करते ही कर्टन रॉड पर मैंने हैंग किया है एक सिंगोनियम का प्लांट, जो मैंने एक मैक्रम हैंगिंग पर हैंग किया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। किसी भी हैंगिंग प्लांट को लगाने के लिए उसका सॉइल मिक्स बहुत ही लाइट होना चाहिए, जिससे कि उसको हैंग करने में दिक्कत ना हो। मैंने इसमें कोकोपीट और कंपोस्ट का यूज़ किया है, जो कि काफ़ी लाइट वेट है। सिंगोनियम हैंगिंग प्लांटर के जस्ट नीचे और दीवान के बगल में थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे मैंने एक पाम प्लांट रखा हुआ है। मेरे लिविंग रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन है और 2-3 घंटे की सनलाइट भी आती है, जिससे कि इंडोर प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। चलिए अब लिविंग रूम के दूसरे कॉर्नर में चलते हैं। तो डोर के जस्ट सामने सिटिंग एरिया है। यहाँ पे सेंट्रल टेबल पे एक सिरेमिक डक प्लांटर रखा हुआ है, जिसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया है। स्पाइडर प्लांट एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, जो हवा में से फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड जैसे हानिकारक केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिटिंग एरिया के जस्ट बगल में मेरा इन्वर्टर और बैटरी बॉक्स रखा हुआ है, जिसे हाइड करने के लिए मैंने एक बड़ा सा अरेका पाम लगाया है। पाम की लगभग सभी वैरायटीज़ बहुत ही अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट होते हैं और ये आसानी से इंडोर चल जाते हैं। इनकी बहुत ही कम मेंटेनेंस करनी पड़ती है। सिटिंग एरिया के जस्ट पीछे एक बड़ी सी विंडो है, जिससे कि 2-3 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट रूम में आती है और ये सभी इंडोर प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। सिटिंग एरिया से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक टेबल है, जो टीवी के जस्ट नीचे रखा हुआ है। टेबल के जस्ट बगल में एक ब्रॉड लीफ वाली पाम की वैरायटी है, यह मेरे हस्बैंड का फेवरेट प्लांट है। इस पाम प्लांट के नीचे मेरे बेटे ने एक जंगल क्रिएट किया हुआ है, जिसमें सभी जंगली जानवर एक साथ घूम रहे हैं। वह अपने टॉयज को ऐसे ही प्लांटर में रखता रहता है और खेलता रहता है। घर में लाइव प्लांट्स रखने से एक पॉजिटिविटी आती है, ग्रीनरी ऐड होती है और प्लांट्स बहुत ही अच्छा डेकोर भी ऐड करते हैं। मुझे पर्सनली प्लांट्स बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं अपने घर के हर कोने में ग्रीन प्लांट्स को ऐड करती हूँ। दीवान के साइड में एक और सिंगोनियम प्लांट रखा हुआ है, यह प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो है। डाइनिंग टेबल के साइड में मैंने एक क्रिसमस ट्री का प्लांट रखा हुआ है, जो मेरे बेटे का मोस्ट फेवरेट प्लांट है। क्रिसमस ट्री के नीचे दो उल्लू आराम फरमा रहे हैं, इन्हें यहाँ पे मेरे बेटे ने सुला दिया है, जो खुली आँखों से सो रहे हैं।
डाइनिंग टेबल के ऊपर अभी मैंने कोई भी प्लांट ग्रो नहीं किया है। मैं यहाँ पे पानी में ग्रो करके कोई प्लांट रखूँगी। ये मेरे लिविंग एरिया का 360 व्यू है। यहाँ पर एक कॉमन पैसेज है जहाँ पे दोनों बेडरूम के डोर ओपन होते हैं, साथ ही वॉश बेसिन एरिया है और वॉशरूम है। यहाँ पर ज़्यादा सनलाइट तो नहीं आती है। मैंने यहाँ पे एक हैंगिंग प्लांटर में मनी प्लांट ग्रो किया है जो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे एक मैक्रम हैंगिंग प्लांटर में मैंने स्पाइडर प्लांट को ग्रो किया है जिसे मैंने एक मटकी प्लांटर में लगाया हुआ है। एक्चुअली में ये करवा चौथ का करवा है जिसे मैंने यहाँ पे रीयूज़ किया है और ये बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है। वॉश बेसिन के ऊपर मैंने एक स्नेक प्लांट रखा हुआ है। यह स्मॉल वैरायटी का स्नेक प्लांट है। अपने वॉशरूम में भी मैंने एक स्नेक प्लांट रखा है। ये पौधे काफ़ी ह्यूमिडिटी को पसंद करते हैं इसलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। लिए मैं आपको अपने बेडरूम के प्लांट्स दिखाती हूँ। अपनी एलमिरा के ऊपर मैंने रखा हुआ एक मनी प्लांट, बेड के साइड में कॉर्नर है, उस कॉर्नर पे मैंने काफ़ी सारे प्लांट रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे दो विंडो हैं जिससे काफ़ी अच्छी सनलाइट आती है और वेंटिलेशन रहता है, तो यहाँ पे पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। यहाँ पे मैंने पानी में मनी प्लांट ग्रो किया है, साथ ही है दो स्नेक प्लांट, एक स्मॉल वैरायटी का और एक लॉन्ग वैरायटी का स्नेक प्लांट है। ये प्लांट्स बहुत ही अच्छे एयर प्यूरिफाइंग है इसलिए मैंने इनको अपने बेडरूम में रखा हुआ है। विंडो में रखा हुआ है एक एग्लोनिमा का प्लांट जिसकी लीव्स काफ़ी वेरिगेटेड हैं और बहुत ही सुंदर लगती हैं। प्लांट्स ऐड करने के बाद ये कॉर्नर कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब चलिए दूसरे रूम में चलते हैं। यहाँ पे भी कॉर्नर पे मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं। इस रूम की विंडो से मेरा गार्डन दिखाई देता है जो अभी बनने की प्रोसेस में है। जल्द ही इसका कंप्लीट गार्डन टूर वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। विंडो के जस्ट नीचे ही मैंने रखा हुआ है सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट। यह ड्रेसिना फैमिली का प्लांट है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी एक वेरिएटेड वैरायटी भी आती है, वो भी मेरे पास थी बट ओवर वाटरिंग के कारण वो पौधा ख़राब हो गया। सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट के नीचे रखा हुआ है एक और स्नेक प्लांट। इसमें एक पेगविन फैमिली रेस्ट कर रही है। ये प्लांट मेरे बेटे की स्टडी टेबल में रखा हुआ था जिसे अभी मैंने धूप लगाने के लिए यहाँ पर रख दिया है। इधर एक और मनी प्लांट मैंने बॉटल में ग्रो किया है। ये पूरा कॉर्नर कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर बैठकर मैं सुबह शाम की चाय एंजॉय करती हूँ अपने गार्डन का नज़ारा देखते हुए।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब चलते हैं अपने किचन में, देखते हैं किचन में मैंने कौन से पौधे रखे हुए हैं। मेरे किचन में भी एक विंडो है जिससे इनडायरेक्ट सनलाइट आती है। यहाँ पर मैंने एक हैंगिंग प्लांटर में मनी प्लांट ग्रो किया हुआ है और उसी के नीचे एक और पानी में मनी प्लांट ग्रो किया हुआ है। कोकोपीट पे मैंने पर्पल हार्ट का एक प्लांट ग्रो किया हुआ है। ये कलरफुल प्लांट किचन में बहुत ही सुंदर लगते हैं और खाना बनाते समय मन खुश रहता है। यहाँ पर भी प्रत्युष ने एक पॉन्ड क्रिएट कर दिया है जिसमें डक्स फ्लोट कर रहे हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।